lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये मेरे पास आया है मध्य प्रदेश के दातिया डिस्ट्रिक्ट से और भेजने वाली हैं संध्या पुरोहित। संध्या जी ने इससे पहले भी अपने इस बगिया का वीडियो भेजा था और उस समय काफ़ी सारे डिफरेंट फ्लावर्स थे, इस समय काफ़ी लुक और भी बदल गया है। दोस्तों, संध्या जी के इस गार्डन को उन्होंने खुद ही पिछले 2-2.5 सालों में अपने हाथों से सजाया है और सारे काम लगभग वो खुद ही करती हैं। यूं तो संध्या जी एक इंटर कॉलेज की MD है, लेकिन बागवानी उनका पैशन है। ये जो बगीचा देख रही हैं, इस बगीचे का नाम उन्होंने बागवान दिया है। इस वीडियो में उन्होंने खुद ही अपने इस बागवान को एक्सप्लेन किया है और वीडियो के अंत में खुद वो कैमरे के सामने आकर के अपने स्विमिंग पूल को और जो झरना है उनको दिखा रही हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और अब आगे का वीडियो देखते हैं संध्या जी के साथ। नमस्कार, जय माता दी। सभी साथियों को संध्या का प्यार भरा नमस्कार। आज लंबे टाइम बाद मैं अपने गार्डन का वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि डेली तो मुझे टाइम होता ही नहीं है और गार्डन में इतना सारा काम होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं डेली वीडियो शूट कर पाऊँ। चलिए, आज आप सभी को मैं अपना गार्डन दिखाती हूँ। चलो तो फिर बागवान की शेयर करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कर ही लीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। चलिए दिखाती हूँ। गार्डन बहुत बड़ा है, एक एक प्लांट का नाम तो मैं किसी को नहीं बता सकती, लेकिन हाँ कोशिश करूंगी जितना कवर हो जाए, है ना। चलिए देखें, यहां से हम हमारे गार्डन में
एंटर करते हैं। बहुत बड़ा है ये गार्डन, इसको जितने भी पार्ट में इसका वीडियो शूट किया जाए उतना कम ही है, क्योंकि एक बार में तो सारी चीज़ें इसमें नहीं आ सकती हैं, सारे प्लांट्स नहीं आ सकते हैं, और सारा गार्डन में सभी को नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है और फिर ना बहुत दिक्कत आती है। चलिए आप लोग देखिएगा, और लंबा वीडियो हो जाता है ना तो सभी लोग फिर बोर भी हो जाते हैं, है ना। चलिए अगर वीडियो पसंद आता है तो वापस मैं आप लोगों की डिमांड पर फिर से अपने गार्डन का सेकेंड पार्ट जल्दी से आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी, है ना। चलिए ये देखिएगा गार्लिक क्रीपर, ये है हमारा कोलियस गार्डन। यहाँ पर विंटर की तैयारी के लिए कई हज़ार प्लांट्स इस गार्डन में लगाए गए हैं। जब यहाँ पर एक महीने बाद फ्लावरिंग होगी तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वापस यहाँ का वीडियो शूट करके आप लोगों को डालूँगी। ये सभी हमारे वाटर प्लांट जो कि अब डोरमेंसी में चले गए हैं। ये हमारा छोटा वाला लॉन, ये पॉइनसेटिया हमारे गार्डन में बहुत बड़े बड़े पॉइनसेटिया लगे हैं, और ये ग्राउंड पर लगे हैं, 15-15 फीट के लगे हैं, ठीक है ना। ये देखें कुछ यहाँ ये प्लांट्स दिख रहे हैं ना, ये सारे विंटर के लिए लगाए गए हैं। कभी टेरेस गार्डन भी दिखाऊंगी। सॉरी, ये हमारा फाउंडेन, ये मैंगो ऑल टाइम जरवेरा, कलेंचो, नेस्टेशियम, और ये क्लेटुलस, ये देखें काफी खूबसूरत क्लेटुलस में फूल खिले हैं।
ये देखे रात रानी, मिठू ये मिठू जरा देखे तो सही, इधर तो देख लो, ये लबर्ड्स लियो, हाय बोलो, हाय सभी को, हाय बोले, ये लक्की है। लियो क्या कर रहे हैं, धूप ले रहे हैं, चले ले ले खेले। हाँ हाँ देख ले देख ले। बोगनवेलियस गार्डन में काफी सारे लगाए गए हैं, तरह तरह के लगाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत है ना। चलिए जब कभी सेकेंड पार्ट बनाऊंगी तो जरूर दिखाऊंगी। आप लोग बोलेंगे तो स्विमिंग पूल भी दिखाऊंगी, जहाँ पर हमारा रोज गार्डन है वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। ये हमारा मंदिर है, फिर कभी दिखाऊंगी इधर का। नमस्कार साथियों, मैं संध्या। जैसा कि आपने अभी हमारा बागवान देखा, आइए मैं आपको बागवान का एक पार्ट और दिखाती हूँ। तो ये है हमारा स्विमिंग पूल, खूबसूरत खूबसूरत रोज। ये देखे कितने सारे रोज, ये देखे। और ये हमारे स्विमिंग पूल, ये होटल का, ये ढेर सारे प्रेजेंट हैं। और ये एक बच्चा सेल्फ है, वीडियो पसंद आया बताइए कैसा लगा है। बार बार जय माता दी।